भारत के हृदय स्थलों गांव शहरों में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं एसोर्ड। फैशन क्षेत्र में भारत की अग्रणी एसोर्ड एक सह वाणिज्य कंपनी है जो महिलाओं को उद्यमी बनने और अपने विचारों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। बता दें कि घर पर अपने जिम्मेदारियों के साथ साथ अधिक भारतीय गृहिणियां अपने घर से ही खुद का व्यवसाय शुरू करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कमाई पर विचार करने की संभावनाएं तलाश रही हैं। टियर 2 और टियर 3 क्षेत्रों में रहने वाले दृढ़ निश्चयी लघु व्यवसाय धारक भी एक कदम आगे बढ़ रहे और ऑनलाइन शिक्षण को अपना रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत ने महिला एंटरप्रेन्योर में वृद्धि देखी है। चंचल, मानसी, प्रज्ञा जैसी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अब अपना बिजनेस घर से ही कर रही हैं। इसी कड़ी में महिलाओं को सभी तरीके से सपोर्ट देने का काम एसोर्ड कर रहा है। देश भर में महिला उद्यमियों को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए एसोर्ड प्रतिबद्ध है। बता दें कि छोटे शहरों और गांवों की महिलाओं को बाहर काम करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन एसोर्ड के व्यवसाय करने के तरीके ने इन क्षेत्रों में कई लोगों के कमाई के दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे उन्हें अपना खुद का व्यवसाय करने और परिवार की कमाई बढ़ाने में योगदान करने का मौका मिलता है। एसोर्ड का मानना है कि महिलाएं भी सारे काम कर सकती हैं जो उनके पति कर सकते हैं। महिला भविष्य है अपने परिवार का, बच्चों का और इंडिया का। साथ ही महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए तो वो आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बनेंगी और परिवार का रहन सहन अपनी कमाई को बढ़ाने में अपना सहयोग करेंगी। ट्रेनिंग के अंदर मतलब एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, पीडी मैम ने बताया कि हम गोल सेट कर लेते हैं, टारगेट सेट कर लेते हैं। मेरा भी यही होता था, सेट कर लेती थी टारगेट गोल्स, बट जब वो फुलफिल नहीं होते थे, कुछ चीज़ों के एक्शंस के अंदर कमी रह जाती थी, तो मैं उनको छोड़ देती थी। बट मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुई कि हमें उनको छोड़ना नहीं है। बिकॉज बीडी मैम ने ना एक चीज़ अपने टारगेट की शेयर की थी कि मेरा वो लास्ट 11 साल से टारगेट है बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, बट फिर भी हर साल जैसे जैसे मैं विजन बोर्ड अपना क्रिएट करती हूँ तो मैंने उनको छोड़ा नहीं, उस टारगेट को अभी तक नोट किया है। तो सेम दैट मेरा यही होता था कि मैं छोड़ देती थी कि नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा, बट अभी वो सारी चीज़ें मैं अपने साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ मतलब नहीं होने दूंगी। अगर नहीं गोल कंप्लीट हुआ तो फिर क्या हो गया, दोबारा उससे डबल एक्शन करके एफर्ट्स करके हम वो कंप्लीट करें। माय नेम इज़ प्रज्ञा कोहली, मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अचीव करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी ना सपने में भी नहीं सोचा था कि को फाउंडर के द्वारा मुझे बैच रिसीव होगा, तो आज मुझे एक प्राउड फील हो रहा है। और साथ में जब कम्युनिटी वाले मेरे को देखेंगे वो भी बहुत प्राउड फील करेंगे कि इस प्रज्ञा सीनियर जी को फाउंडर के द्वारा एक बैच रिसीव की। फर्स्ट टाइम मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिला हुआ था, तो इतनी सारी टीएफ हुई थी सेंटर में भी, हर एक कम्युनिटी में भी हुई थी कि इस प्रज्ञा सीनियर बाहर जाके ये सारी चीज़ें ले पा रही है, किसकी वजह से असॉर्ट ट्रिप में जो मुझे ट्रेनिंग मिली हुई है पीडी मैम के द्वारा, जो मैंने अपने ना सपने भूल चुकी थी कि मेरे सपने हैं क्या, उन सपनों को मैंने लिखा, उसके बाद उनका डायग्राम बनाया और मतलब मैंने सपने देख बस रही थी कि नहीं ये चीज़ें मैं करूँगी, बट कभी मैंने लिखा हुआ नहीं था। और उसके बाद में मुझे पता चला कि ये सारे सपने मैं कंप्लीट कर सकती हूँ वो भी यहीं से, और बहुत सारी नॉलेज मैंने यहाँ से लिया जो उसके बाद मैं कम्युनिटी में शेयर करूँगी, जिसके बाद कम्युनिटी भी बिल्ड होगी, बड़ी होगी। उसमें भी मैंने एस रंग का मतलब गर्ल्सों को एस बनाने का सोचा है, मेरे डाउनलाइन भी ये गर्ल्स हैं, उनको मैं बहुत जल्दी एज बनाऊंगी। और मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी, जो कमियां तो हैं अभी भी हैं, और उन्हीं कमियों को मैं अपना मजबूती बनाऊंगी। ये सारी चीज़ें मैंने पीडी मैम द्वारा ट्रिप में, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस यही है कि मैं फर्स्ट टाइम गोवा आई थी, मुझे कभी लग ही नहीं रहा था कि मैं गोवा आऊँगी, और मैं गोवा पहुँच भी चुकी थी। उसके बाद भी मैंने, मेरे साथ एक पुष्पा सीनियर जी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि हम वाकई में गोवा आ चुके हैं, तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोले चीटी काट के देखते हैं, तो उन्होंने बोला सही है देख के। मेरा नाम भुवनेश्वरी, मैं कर्नाटक से बिलोंग करती हूँ। मैं 2021 नवंबर मंथ में एस बन, बहुत अच्छा लग रहा। मैं सभी को छोड़ के मेरा वुमेन्स कम्युनिटी, मेरा सारे कम्युनिटी को सक्सेसफुल बनने के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मैं कर सकती हूँ। मेरा जो साथ में हो उसको भी मैं आगे बढ़ने के लिए सोचती हूँ। माई सेल्फ नेहा ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम झांसी यूपी,
एंड मैं करंट टाइम में शॉर्ट के अंदर एक एस रैंक पे हूँ और मुझे इस बिजनेस के अंदर साइन अप करे हुए 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल मैं हमेशा जब भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं तो कोशिश पूरी करती हूँ अटेंड करने की और उनसे भी मैं बहुत सारी चीज़ें खुद भी सीखती हूँ और अपनी कम्युनिटी को भी पास। स्टार्टिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने की बात करें तो ऑफलाइन तो हेल्प हो ही रही है और ऑनलाइन के माध्यम से भी हम लोग अपनी कम्युनिटी की बहुत सारी हेल्प कर पाते हैं। जूम सेशन के माध्यम से कर सकते हैं और लाइव सेशन करके भी हम अपना कम्युनिटी को हेल्प कर। कम्युनिटी मेंबर्स में काफ़ी चैलेंजेस चल रहे हैं और अभी भी अगर मैं पर्सनल करूँ तो मेरी पर्सनल टीम से एक चैलेंज चल रहा है और मैं उनको हेल्प कर पाती हूँ बिकॉज हमारा सेंटर थोड़ा सा उनसे थोड़ा दूर पड़ता है, बट मैं फिर भी उनकी हेल्प करती हूँ बाय जूम सेशन, बाय अदर सीनियर्स को अरेंज करवा के मैं जूम सेशन पे उनकी मीटिंग्स करवाती हूँ और पर्सनली डेली मैं भी जूम सेशन के थ्रू अपनी कम्युनिटी के टच में रहती हूँ और उनको नॉलेज प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो डेट्स वाई मैं सोच रही हूँ कि इस मंथ उनका चैलेंज मैं कम्प्लीट करवा ही लूँ।